हल्द्वानी में भाजपा कार्यालय में ओबीसी मोर्चा ने पार्टी पदाधिकारी की बैठक रखी, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पश्चिम बंगाल के हुगली संसदीय क्षेत्र से सांसद लॉकेट चटर्जी ने शिरकत की। इस दौरान ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लॉन्च की गई विश्वकर्मा योजना का लाभ आम गरीब लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पार्टी पदाधिकारी को लोगों के बीच जाकर योजनाओं की जानकारी देने और पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचते हैं, यही वजह है कि उन्होंने विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सब लोगों को विश्वकर्मा योजना का लाभ मिले और नीचे स्तर तक पूरा उत्तराखंड प्रदेश में जाए, हम लोग इसके लिए हमारा पार्टी से ये प्रोग्राम है। इंडिया गठबंधन जो बने हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जैसे उत्साह से इंडिया गठबंधन बने थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके सब छोड़ रहा है, क्योंकि खुद का स्वार्थ है कि CBI ED से एजेंसी से बचने के लिए ये लोग इंडिया में गठबंधन में शामिल हुआ था। अभी परिवारवाद का भी बात है कि किसके बाद खुद का, किसी को बेटे को, किसी को भतीजे। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है। विश्वकर्मा योजना के जो लाभार्थी हैं, जो उनके लिए जिनके लिए बनी है, उन तक वो लाभ पहुँचे, दृष्टिकोण से आज हमारे इस बैठक में हमारी लोकसभा की सांसद भी आई हुई हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि योजना का लाभ उन समुदाय तक मिले जिनके लिए लाभ है। उसमें सरकार के सहयोगी रूप में जागरूक हम लोग काम करेंगे। और आज हमारी चार जिलों के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, चार जिलों के हमारे जो इसी कार्यकर्ता है, हम लोग घूम रहे हैं और इसमें हम लोगों ने जहाँ नाई है, धोबी है, कामगार हैं और हस्तवस्त जुड़े लोग हैं, ऐसे अनेकों लोगों इसका लाभ मिले, उस दृष्टि घर घर संपर्क करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, इस भूमिका के